सलमान खान का चर्चित और विवादित रियलिटी शो बिग बॉस का सीजन 16, जिसका पहला इविक्शन हो गया है, वहीं बात करें शो की तो शो इस बार काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है, जहां ये शो इस बार टीआरपी की लिस्ट में टॉप 5 में अपनी जगह बनाने में कामयाब भी रहा है। वहीं इस शो में आने वाले सभी सेलेब्स जो इस शो में काफी अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं लास्ट वीकेंड पर जहां इस शो में कोई भी इविक्शन नहीं हुआ और सभी कंटेस्टेंट को बिग बॉस ने एक और मौका दिया था कि वो अपने आप को साबित कर सकें कि वो इस शो में रहना क्यों डिजर्व करते हैं, जहां इस हफ्ते शो से बेघर होने के लिए 5 कंटेस्टेंट को एलिमिनेट किया गया था, जिसमें बिग बॉस द्वारा एलिमिनेट किए गए शालीन भनोट, वहीं गौतम द्वारा एलिमिनेट किए गए 4 कंटेस्टेंट टीना दत्ता, सृजिता डे, गोरी नगोरी और एमसी स्टैन शामिल थे। वहीं इस हफ्ते आपको बता दें एक कंटेस्टेंट जिसका इस हफ्ते शो से सफर खत्म हो चुका है। जहां सोशल मीडिया पर बात करें तो सोशल मीडिया पर ये काफी चर्चा चल रही है कि सलमान खान के शो से इस बार सृजिता डे का सफर खत्म हो चुका है, जहां सृजिता डे को गोरी नगोरी से भी कम वोट्स मिले हैं और वो इस शो से बेघर हो चुकी हैं। शो के अंदर सृजिता डे को पिछले हफ्ते कई मुद्दों पर अपने पक्ष रखते और अन्य कंटेस्टेंट के साथ झगड़ते हुए भी देखा गया था, जहां सृजिता डे को उतरन से काफी प्रसिद्धि हासिल हुई थी। वह लगता नहीं था कि सृजिता इतनी जल्दी इस शो से बेघर हो जाएंगी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि कम वोट के चलते हरियाणा की डांसर गोरी नगोरी बिग बॉस के घर से बाहर हो सकती हैं, लेकिन आपको बता दें ऐसा नहीं हुआ है। जहां कम वोटिंग के चलते सृजिता डे का सफर इस शो से खत्म हो चुका है और वो सलमान खान के शो से बाहर हो गई है। वेल, आपको क्या लगता है कि क्या सृजिता डे इस शो में रहना डिजर्व करती हैं या फिर उनका एलिमिनेशन सही है, और सृजिता के अलावा इस शो से किसको इस हफ्ते बेघर होना चाहिए था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।